अच्छा, वाटर सोल्यूबल में जो हम बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन हमने स्टार्ट किए थे उसमें आपने थायमिन, ठीक है, राइबोफ्लेवन, पिरिडॉक्सन, नायासीन ये कर लिए थे, आज हमने करना है पेंटाथीनिक से। पेंटाथीनिक एसिड इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड और अल्कलीज, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट। ये पेंटाथीनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें ये पेंटेनोइक एसिड है, ठीक है, जो कि बीटा एलानिन के साथ अटैच होता है, इन दोनों के कम्बिनेशन से पेंटाथीनिक एसिड बनता है, ठीक है। सोर्सेस इन रॉयल जेली, इन किडनी, इन लीवर, इट इज़ प्रेजेंट इन एग योक, इन यीस्ट, इन सीरियल्स, इन लेग्यूम्स। रॉयल जेली होते हैं कि जो ये हनी बीज होती हैं उसमें जो वर्कर्स बीज होती हैं वो इसको सिक्रीट करती हैं, मिल्की प्रोडक्शन होती है ये, ठीक है। जो लार्वी होती हैं वो एज अ फूड उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। चूँकि ये हेल्थ वाइज या न्यूट्रिशन वाइज ये बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे कमर्शियली भी या हम ह्यूमन बींग्स भी इसको यूज़ करते हैं। बायोकेमिकल रोल, पेंटाथीनिक एसिड इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए। ये कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर है सारा, जिसमें ये पेंटाथीनिक एसिड है, ठीक है, और ये सिस्टीन रेसिड्यू है और ये एडीनोसिन है, ठीक है। इन तीनों के मिलने से कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है, समझ लगी स्ट्रक्चर की कोएंजाइम ए की। पेंटाथीनिक एसिड कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, हम बेसिकली पेंटाथीनिक एसिड की स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कोएंजाइम जो ए है उसका एक पार्ट है, ठीक है। अब कोएंजाइम कहाँ कहाँ एक्ट कर रहा है, कोएंजाइम ए में एक्ट एज एन एसाइल ग्रुप कैरियर टू फॉर्म एसिटाइल कोए, मैनोलाइल कोए एंड अदर रिलेटेड कंपाउंड, दिस इज अ वे टू ट्रांसपोर्ट कार्बन एटम्स विद इन द सेल, ठीक है। अब एसिटाइल कोए एंड मैनोलाइल कोए की फॉर्मेशन होती है, अब ये एसिटाइल कोए एंड मैनोलाइल कोए आर यूज इन सिंथेसिस एंड इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। कोएंजाइम ए इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एसाइल कैरियर प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस इन एडिशन टू कोए। एसिटाइल कोए इज आल्सो द सोर्स ऑफ एसिटाइल ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड ऑन टू सर्टन लाइसिन रेजिड्यूज ऑफ हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन इन एसिटाइलेशन आर रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बेसिकली डीएनए की बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, और इनकी लाइसिन रेजिड्यू पे जो एसिटाइलेशन हो रही है वो किससे हो रही है, एसिटाइल ट्रांसफरेज से, और जहाँ पे पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए टू बी ऑक्सीडेटिवली डिग्रेडेड अ फैटी एसिड मस्ट फर्स्ट बी एक्टिवेटेड बाय कन्वर्जन टू एसाइल कोए। जब फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें उसने पहले किस में कन्वर्ट होना होता है, एसाइल कोए में, और ये कोए मोइटी कहाँ से आ रही है, कोएंजाइम ए से, ठीक है। ये एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन है, तो वो एनर्जी कहाँ से यूटिलाइज हो रही है, एटीपी से, और एटीपी खुद कन्वर्ट हो रहा है एएमपी में, ठीक है। ये भी अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं, सेकेंड ईयर में पढ़ना है, ठीक है। आपने जस्ट यही जो जितने इतने से जो रिएक्शन यहाँ पे बताए हैं आपने बस इतना ही करना है। कोएंजाइम इज इम्पॉर्टेंट इन एनर्जी मेटाबोलिज्म फॉर पाइरूवेट टू एंटर द टीसीए साइकिल एज एसिटाइल कोए। ये पाइरूवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोए में और कोएंजाइम ए यहाँ पे रिक्वायर है, और एनएडी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनएडीएच में, ठीक है। ये सब रिएक्शन आपने पढ़े हुए हैं, ये वाले तो कोए इज इम्पॉर्टेंट फॉर अल्फा कीटोग्लूटरेट टू बी ट्रांसफॉर्म टू सक्सिनाइल कोए इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। ये अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनाइल कोए में, और इसी तरह एनएडी एनएडीएच में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। It is essential in the formation of ATP and in turn essential for energy metabolism, essential for heme formation in hemoglobin. It is essential in the synthesis of acetylcholine, which is important for nerve transmission, important in biosynthesis of cholesterol and ketone bodies. Pentothenic acid is also essential for the manufacture of vitamin D, steroids and bile. It is also necessary for adrenal gland performance and promotes wound healing and antibody production. Requirement in infants, this requirement is 1 to 2 milligram per day, and in children 4 to 5 milligram per day, and in adults 5 to 12 milligram per day. If requirement increases
in severe stress, for example, acute illness, burning, and severe injury. When taken, oral antibiotics requirement is also increases during pregnancy and lactation. In growing children, its requirement is also increases. Deficiency of pantothenic acid is exceptional and rare and has not been thoroughly studied. Toxicity of pantothenic acid is unlikely. Now, biotin, that is B7. Biotin is also called coenzyme R. It is a sulfur-containing, water-soluble vitamin. Yes, the structure mein yahan sulfur present hai. Theek hai? Jo ki isse distinguish kar raha hai other vitamins se. It requires both in free form and bound form in tissues and food. Biotin is covalently bound to the Fc amino group of lysine residues in biotin-dependent enzymes. ठीक है? जो biotin-dependent enzymes हैं, उनके lysine जो residue है, उसके साथ जाके ये covalently attach हो जाते हैं biotin. Sources of biotin are bacteria and human gut. They produce biotin in our body. Food sources are peanuts, mushrooms, kidneys, barley, liver, boiled eggs, wheat bran, milk and milk products. Biochemical role of biotin is it acts as a processing group of certain enzymes that catalyze carbon dioxide transfer reaction. This is called carbon dioxide fixation. Okay. It functions as a coenzyme for the enzyme called carboxylases, which catalyze the carbon dioxide fixation. In this process, it is first converted to carboxybiotin complex by reaction with carbonic acid and ATP. ठीक है? ये पीछे आगे बताएंगे. This complex is the source of active carbon dioxide, which is transferred to the substrate. ठीक है? पहले किसमें convert हो रहा है? Carbon dioxide को convert कर रहा है SCO3 में, और वहाँ से ये further transfer हो रही है substrate में. ठीक है? Acetyl-CoA carboxylase enzyme, a biotin-containing enzyme which participates in the synthesis of fatty acids by catalyzing the carboxylation reaction in which acetyl-CoA is converted to malonyl-CoA. Ye acetyl-CoA malonyl-CoA mein convert ho raha hai aur carbon dioxide isme add ho rahi hai, theek hai, aur ATP ADP mein convert ho raha hai, theek hai? Propionyl-CoA carboxylase, it catalyzes the carboxylation reaction of propionyl-CoA. It is biotin-dependent. The product of reaction is S-methylmanonyl-CoA. Propionyl में जब carbon dioxide fixation हुई तो ये methylmanonyl-CoA में convert हो गया, ठीक है? और साथ में ATP, ADP में convert हो गया, energy utilized हुई. Pyruvate carboxylase. It is an enzyme that catalyzes the reversible carboxylation of pyruvate to form oxaloacetate. ये आपने पढ़ा हुआ है पहले भी कि pyruvic acid से oxaloacetate बन रहा है. Carbon dioxide इसमें add हो रही है group. Beta methyl crotonyl CoA carboxylase. It converts beta methyl crotonyl CoA to beta methyl glutaconyl CoA. ठीक है? Avidin. Avidin is a protein found in raw eggs. That binds to biotin and inhibits its absorption in body. Avidin has an impact biotin absorption. A healthy person would have to eat between 12 to 24 raw eggs a day. Then the biotin avidin will produce in their body. Avidin is denatured upon cooking eggs and does not have an effect on biotin absorption. ठीक है, जो एविडिन है वो बायोटिन के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करती है. और वो कहाँ से आ रही है एविडिन? जब हम रॉ एग्स लेते हैं 12 टू 24 एग्स अ डे, तब वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है? रिक्वायरमेंट, देयर इज नो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस एस्टैब्लिश फॉर बायोटिन. हाउएवर 7 माइक्रोग्राम फॉर इन्फेंट्स विच हैव एज ऑफ 0 टू 12 मंथ्स एंड Children of age 8 to 12 years have requirements 20 to 25 micrograms, and in adults over 28 years and pregnant ladies, its requirement is 30 micrograms, and 35 microgram is required for breastfeeding women. Deficiency. Now, first is occurrence. Deficiency occur in infants because they lack the intestinal bacterium that manufacture biotin.
eating excessive amounts of raw egg whites in people who take antibacterial medicines in chronic dieters. जो लोग बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, 2 to 3 years तक डाइटिंग पे रहते हैं, उन लोगों में भी इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. ठीक है. 6 signs of biotin deficiency include dermatitis, hyperesthesia and paresthesia, keratoconjunctivitis, anoxia, anemia, irregular ECG. ठीक है, ये सब इसके सिम्टम्स हैं डेफिशिएंसी के. नॉ फॉलिक एसिड, दैट इज विटामिन B9. डेजिग्नेशन, फॉलिक एसिड इज अप्लाइड टू अ नंबर ऑफ कंपाउंड विच कंटेन द फॉलोइंग ग्रुप्स. ठीक है, उन कंपाउंड्स में कौन कौन से आ जाते हैं? टेराडीन न्यूक्लियस, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जिसे पापा कहते हैं. ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, केमिकली इट इज काल टेराइल ग्लूटामिक एसिड PGA. ये देखिए, ये टेराडीन है, ये पापा है और ये ग्लूटामिक एसिड. ठीक है, ये सब मिल के किसको बना रहे हैं? इस कंपाउंड को बना रहे हैं. केमिकली इट इज कॉल टेराडाइल ग्लूटामिक एसिड. देर आर एटलीस्ट 3 केमिकली रिलेटेड कंपाउंड विच डिफर ओनली इन नंबर ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू अटैच टू द टेरिक एसिड. अगर तो मोनोग्लूटामेट यानी ग्लूटामेट का ग्लूटामिक एसिड का एक मॉलिक्यूल अटैच है तो वो मोनोग्लूटामेट है. अगर 3 मॉलिक्यूल इसके ग्लूटामिक एसिड की यहाँ पर अटैच हो जाएंगे तो ये ट्राईग्लूटामेट है. ठीक है, और अगर 7 अटैच हैं तो हेप्टाग्लूटामेट. ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा है कि ग्लूटामेट के कितने रेजिड्यूज के साथ अटैच हैं. बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म ऑफ द विटामिन इज द रिड्यूस्ड टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव, दैट इज टेट्राहाइड्रोफोलेट ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ 4 हाइड्रोजन्स टू द टेरिडीन मोइटी. जो टेरिडीन मोइटी है उसमें ये 4 हाइड्रोजन ऐड होने से टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, और यही इसकी एक्टिव फॉर्म है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है. टेट्राहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस एंड इट्स इनहिबिशन बाय ड्रग्स, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग इंटेस्टाइनल ट्रैक कैन सिंथेसाइज फॉलिक एसिड, ह्यूमंस कैन नॉट सिंथेसाइज फॉलिक एसिड एंड मस्ट गेट इट फ्रॉम डाइट. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दिखाया टेरिडीन प्रीकर्सर से साथ में उसके अमाइनो बेंजोइक एसिड, इनका रिएक्शन हुआ डाईहाइड्रो टेरोटेट सिंथेटेज एंजाइम और आगे फॉलिक एसिड की प्रोडक्शन हो रही. अगर तो ये एंजाइम सल्फानाइल एमाइड ड्रग्स जो होती हैं उनसे यहाँ पे इनहिबिशन हो जाती है इस एंजाइम की, ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाता है. ठीक है, जिससे फॉलिक एसिड की प्रोडक्शन नहीं होती, प्रोडक्शन और उसमें जो ग्लूटामेट की एडिशन हो रही है और फॉलिक एसिड की प्रोडक्शन हो रही है, इस स्टेप पे इनहिबिट होती है. ठीक है, एक तो ये स्टेप है, दूसरा स्टेप है मीथोट्रेक्सेट. ये ड्रग यहाँ पे ये जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जिसने फॉलिक एसिड को कन्वर्ट करना था टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, यहाँ ये रिएक्शन इनहिबिट हो जाता है. ठीक है, जब ये इनहिबिट हो गया ये प्रोडक्ट नहीं बनी. इस प्रोडक्ट ने फर्दर पार्टिसिपेट करना था अमाइनो एसिड सिंथेसिस में, प्योरीन सिंथेसिस में और थायरामिडीन सिंथेसिस में. ये सब सिंथेसिस नहीं होंगी. ठीक है, ये कुछ दिखाएं इनके स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रोफोलेट का, 5-फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, 10-फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, यानी किस जिस पोजीशन पे है ये 10th पोजीशन पे है तो इसलिए 10-फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट. ये 5 पोजीशन पे है, 5-फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट. इसी तरह ये भी 5 पे है, 5 और 10, ये आप लोग देख लेना खुद पे. ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर डिटेल तो आपने करनी नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज. सोर्सेज, इट इज़ प्रेजेंट इन लिवर, इन यीस्ट, इन स्पिनच, इन कॉलीफ्लावर, इन मिल्क, इन किडनी, प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स, इन मीट, इन फिश एंड इन वीट. मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, इट्स एब्जॉर्प्शन अकर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. पॉलीग्लूटामेट्स इंजेस्टेड इन डाइट आर कन्वर्टेड टू मोनोग्लूटामेट्स एंड डाईहाइड्रोफोलेट्स टू टेट्राहाइड्रोफोलेट्स. ठीक है, ये दोनों मिलके टेट्राहाइड्रोफोलेट ने फोलेट को बनाना था जो पॉलीग्लूटामेट्स की फॉर्म में आ रहे थे माई डाइट में, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? मोनोग्लूटामेट्स में. और डाईहाइड्रोफोलेट किस में कन्वर्ट हो गया? टेट्राहाइड्रोफोलेट में. ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट्स आर देन कन्वर्टेड टू मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट्स विच एंटर
द पोर्टर ब्लड एंड कैरी टू द लीवर. ठीक है, वहाँ पे जाके इसने अपने रिएक्शन शो करना शुरू कर देना लीवर में जाके. द ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट बाउंड टू अ स्पेसिफिक प्रोटीन. और जब इसकी एक्सक्रीशन होगी तो एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड फीसिस. बायोकेमिकल फंक्शंस, टेट्राहाइड्रोफोलेट रिसीव्स वन कार्बन फ्रेगमेंट फ्रॉम डोनर सच एज सीरीन ग्लाइसिन एंड हिस्टिडीन. ये सीरीन ग्लाइसिन और हिस्टिडीन या कोलिन, इनसे क्या ले रहा है, ये वन कार्बन फ्रेगमेंट ले रहा है. ठीक है, एंड ट्रांसफर देम टू इंटरमीडिएट्स इन द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड प्यूरिन एंड थायमीन पाइरिमिडीन फाउंड इन डीएनए. ठीक, इसमें कन्वर्ट हो गया मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट से वन कार्बन मोइटी लेके मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट. अब ये फर्दर कन्वर्ट हुआ सीरीन मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट और थायमिडीन मोनोफॉस्फेट. थायमिडीन मोनोफॉस्फेट एज अ स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ डीएनए. ठीक है, इससे मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से मिथियोनिन बनेगा. इसी तरह हिस्टिडीन से फार्मिनो टेट्राहाइड्रोफोलेट बन रहा है जो कि कन्वर्ट हो रहा है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट और फर्दर ये रिएक्शन हो रही है. ये यहाँ पे जाके ये रिएक्शन था. ठीक है, इसी तरह फॉर्मेट से फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जिससे फर्दर फॉर्माइल मिथियोनिन प्योरिन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. समय लगी इन रिएक्शन की. अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में होमोसिस्टीन से मिथियोनिन बन रहा है, साथ में मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कार्बन मोइटी को प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे मिथियोनिन सिंथेस एंजाइम है. ठीक है, और खुद ये हाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो रहा है. इसी तरह सीरीन से ग्लाइसिन या ग्लाइसिन से सीरीन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है, यहाँ पे सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफीरेज एंजाइम है, हाइड्रोफोलेट मिथाइलिन हाइड्रोफोलेट इसमें कन्वर्ट हो रहा है. अगर ये कार्बन इसको देता है तो ये खुद हाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, इसी तरह ग्लाइसिन से अमोनिया और साथ NADH बन रहा है, और जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो ये फोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइलिन फोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा. प्यूरिन बायोसिंथेसिस, ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है फर्स्ट के सिलेबस में. इसमें जो आप देखेंगे, एक तो यहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो रहा है इस स्टेप पे, और यहाँ पे मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट हाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, एक ये स्टेप है, और यहाँ टेंथ पे ये भी इसी तरह मिथाइलिन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट हाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो रहा है. ये स्टेप्स हैं जो ज़्यादा आपको जहन में रखने हैं. ठीक है, बाकी ये नहीं कि आप वो डिटेल में ये सारा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, नाउ थायमिडीन सिंथेसिस, स्टेप इन पाइरिमिडीन सिंथेसिस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ थायमिडीन मोनोफॉस्फेट. ये देखिए यूरिडीन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है थायमिडीन मोनोफॉस्फेट में, तो मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट हो रहा है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और एंजाइम है थायमिडिलेट सिंथेस. ये इसकी रिकमेंडेड वैल्यू है जो कि सही बताइए, इसमें आपकी बुक में उसमें से ही पढ़ लीजिएगा. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट ऑन अकाउंट ऑफ देयर एबिलिटी टू इनहिबिट सेल डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दे हैव बीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड सेल ग्रोथ इन ल्यूकेमियाज इन एरिथ्रोमियाज इन मेलिग्नेंट ग्रोथ. अमाइनोटेरिन मीथोट्रेक्सेट ये सब ये ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये अभी पीछे बताया भी था इनका कहाँ पे ये जाके इफेक्ट कर रही हैं किस स्टेप पे. पिरिमिथीन मिथामीन एंटी मलेरियल इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये पीछे जितने भी एंजाइम का है ये एंजाइम सारे पीछे बताए हैं, इनके रिएक्शन बताए थे अभी मैंने आपको समझाए थे, तो उसी में ये सारा इफेक्ट कर रही हैं, वहाँ वहाँ जाके उस एंजाइम्स को इनहिबिट कर रही हैं. सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल है जो कि पाबा एनालॉग है. फिग्लू टेस्ट, फिग्लू बेसिकली है हिस्टिडीन लोडिंग टेस्ट यूज टू डिटेक्ट फोलेट डेफिशिएंसी. इसमें क्या होता है कि एन फॉर्मेलिन ग्लूटामेट जो कि कन्वर्ट हो रहा है इसको कहते हैं फिग्लू एल ग्लूटामेट में, तो और ये टेट्राहाइड्रोफोलेट
फॉर्मिनिनो टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो रहा है इन फोलिक एसिड डेफिशिएंट पर्सन, दिस रिएक्शन कैन नॉट बी कैरिड. ये रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा जिनमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी जिन पर्सन में. एज अ रिजल्ट फिग्लू अक्यूमुलेट्स इन ब्लड. ये केमिकल जो है, ठीक है, ये बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाएगा एंड ब्लड एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन. व्हेन अ लोडिंग डोज ऑफ हिस्टिडीन इज गिवन दिस एक्सक्रीशन इंक्रीजेस. ठीक है, जो कि अक्यूमुलेट हो गया था बॉडी में उसको बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, हिस्टिडीन. ठीक है. नाउ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अ डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड और विटामिन B12 कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज इमेच्योर रेड सेल्स प्रीकर्सर्स नोन एज मेगालोब्लास्ट इन द बोन मैरो. अक्रंस सीरम लेवल ऑफ फोलेट कैन बी कॉज्ड बाय इंक्रीज डिमांड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, पुअर एब्जॉर्प्शन, द पैथोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पीपल हु टेक अल्कोहल्स इन द ट्रीटमेंट विद ड्रग्स दैट आर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स, फॉर एग्जाम्पल मीथोट्रेक्सेट. फोलेट फ्री डाइट ऐसे लोगों को लेनी चाहिए. मैकेनिज्म कॉज्ड बाय डिमिनिश सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड थायमिडीन विच लीड्स टू एन इनएबिलिटी ऑफ सेल्स टू मेक DNA. दिस लीड्स टू कंटिन्यूइंग सेल ग्रोथ विदाउट डिवीजन विच प्रेजेंट एज मैक्रोसाइटोसिस. ये दिखाई गई ब्लड की पिक्चर. इमेच्योर डिसफंक्शनल रेड ब्लड सेल्स, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स इसमें प्रेजेंट हैं. ये दिखाया है. एक और सी कंडीशन हो जाती है दैट इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड एन्सेफेलोपैथी. टॉप पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्कल डजंट कम्प्लीटली फॉर्म इन दीज फीटस. अफेक्टेड प्रेगनेंसीज आइदर रिजल्ट इन मिसकैरेजेस, स्टिल बर्थ और डेथ शॉर्टली आफ्टर बर्थ. ठीक है. सेकेंड है स्पाइना बिफिडा. बेबी स्पाइन इज नॉट कम्प्लीटली फॉर्म, मे कॉज पैरालिसिस ऑफ लोअर बॉडी, ब्लेडर एंड बाउल कंट्रोल प्रॉब्लम एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज. थर्ड वन है साइनोकोबालमीन, दैट इज विटामिन B12. स्ट्रक्चर है इसका सबसे पहले डिफा. कोबालमीन कंटेन्स अ कोरीन रिंग. ये इसमें कोरीन रिंग है. ठीक है. सिस्टम दैट डिफर्स फ्रॉम द परफरिन इन दैट टू ऑफ पायरोल रिंग्स आर लिंक्ड डायरेक्टली रेदर दैन थ्रू अ मेसिन ब्रिज. कोबाल्ट इज हेल्ड इन द सेंटर ऑफ कोरीन रिंग बाय 4 कोऑर्डिनेशन. ये कोबाल्ट है. ठीक है. ये इसके सेंटर में 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हैं. ठीक है. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फ्रॉम द नाइट्रोजन ऑफ द पायरोल ग्रुप्स. द रिमेनिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स ऑफ द कोबाल्ट आर विद द नाइट्रोजन ऑफ 5-6 डाईमिथाइल बेंजामिराज़ोल एंड विद साइनाइड. यहाँ पे इसके साथ एक साइनाइड के साथ मिलेगा इसका बनेगा, जबकि एक जो इसका बन रहा है 5-6 डाईमिथाइल बेंजामिराज़ोल के साथ. और जब साइनाइड के साथ उस कंडीशन में होगा फॉर द इन द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ विटामिन इन फॉर्म ऑफ साइनोकोबालमीन, तब साइनाइड ग्रुप यहाँ पे ऐड किया जाता है. ये ठीक है. द कोएंजाइम फॉर्म्स ऑफ कोबालमीन आर 5' डीऑक्सीएडीनोसाइल कोबालमीन इन विच साइनाइड इज रिप्लेस्ड विद 5'-डीऑक्सीएडीनोसिन फॉर्मिंग एन अनयूजुअल कार्बन कोबाल्ट बॉन्ड. ये इसके साथ किया गया है. ठीक है. अगर यहाँ पर जैसे साइनाइड अटैच है, अगर इसकी जगह ये अटैच हो जाएगा तो ये 5'-ऑक्सीएडीनोसाइल कोबालमीन बन जाएगा. ठीक है. इन विच साइनाइड इज रिप्लेस. अच्छा, दीज कोएंजाइम्स डू नॉट कंटेन द साइनाइड ग्रुप एंड हैंस कॉल्ड एज कोरिनॉइड कोएंजाइम्स. साइनाइड नहीं है तो इसलिए इनको क्या कहना है, कोरिनॉइड कोएंजाइम्स. समझ लग रही है इसकी? मुझे तो लग रहा नहीं आ रही है. अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है यहाँ पर तो ये मिथाइल कोबालमीन बन जाएगा. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन. विटामिन B12 इज सिंथेसाइज ओनली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट. Animals obtain the vitamin preformed from their natural bacteria flora or by eating foods derived from other animals. Cobalamines are present in appreciable amount in liver, whole eggs, oysters, fresh shrimp, in chicken, in milk.
metabolism, gastric acid and pepsin release the vitamin from protein binding in ingested food and make it available to bind to cobalophilin, a binding protein secreted in saliva. हमारे फूड में आ रहा है, ठीक है, और फूड से उसको वो रिलीज हुआ प्रोटीन के साथ, प्रोटीन जिसके साथ वो बाइंड था, ठीक है, जहाँ किसने उसको रिलीज करवाया, गैस्ट्रिक एसिड ने और पेप्सिन ने. फर्दर उसकी बाइंडिंग होगी कोबालोफिलिन, बाइंडिंग प्रोटीन जो कि सलाइवा से सिक्रीट हो रही है, उस प्रोटीन के साथ उसकी बाइंडिंग हो गई. इन द ड्यूडिनम कोबालोफिलिन इज हाइड्रोलाइज रिलीजिंग द वाइटामिन फॉर बाइंडिंग टू इंफ्रिंसिंग फैक्टर विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम. अब आगे पैंक्रियाटिक एंजाइम, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया था इस प्रोटीन ने बाइंडिंग करके, अब उसके उसको भी सेपरेट कर देगा, वाइटामिन इस प्रोटीन से भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है. और वो कौन सेपरेट करवा रहा है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स. इंट्रिंसिक फैक्टर इज द स्मॉल ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेटेड बाय द पेरिटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा फाउंड इन कार्डियक एंड फंडस ऑफ स्टमक बट नॉट इन पाइलोरस. ये देखिए, ये विटामिन B12 हमारी डाइट से आ रहा है और यहाँ पे ये पेरिटल सेल्स में इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है, जिससे ये बाइंड कर गया. विटामिन बी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द डिस्टल थर्ड ऑफ द इलियम, फिर ये जाके इसके साथ बाइंड कर गया, ठीक है, और यहाँ से इलियम में चला गया, म्यूक्यूजल सेल इन इलियम, वहाँ से ये इससे सेपरेट हो गया विटामिन B12 और ब्लड में चला गया, ठीक है. Vitamin B12 is absorbed from the distal third of the ileum via receptors that bind the intrinsic factor vitamin B12 complex, but not free intrinsic factor or free vitamin. Intrinsic factor या vitamin B12 जो free form में होंगे वो इसके अंदर absorb नहीं होंगे, जब ये complex बनेगा तभी वो इसमें absorb होगा, ठीक है, तभी वो cross करके जाएगा इसकी cell membrane को. Vitamin B12 is transported in blood in association with specific protein trans cobalamin 1, 2 and 3. It is stored in body, mainly in liver. Clinical manifestations are pancreatic insufficiency, gastric atrophy, achlorohydria. Now biochemical functions. Conversion of methyl menonyl CoA to succinyl CoA. सबसे पहले इसमें इसकी participation है. Methyl menonylase is formed as an intermediate in catabolism of valine by the carboxylation of propionyl CoA arising in the catabolism of isoleucine, cholesterol and fatty acid with an odd number of carbon atoms. It is directly involved from propionate, a major product of microbial fermentation. It undergoes vitamin B12 dependent rearrangement to succinyl CoA catalyzed by methyl menonyl CoA isomerase. Activity of this enzyme is greatly reduced in vitamin B12 deficiency, leading to an accumulation of methyl menonyl CoA and urinary excretion of methyl menonic acid, which provides a means of assessing vitamin B12 nutritional status. और इसकी clinical indications में आ जाएगा methyl menonic aciduria, methylation of homocysteine to methionine. Homocysteine से जब methionine बन रहा है, ये methyl hydrofolate, ये पीछे भी पढ़ा था ये वाला reaction. मिथियोनिन सिंथेज एंजाइम है जो कि टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो रहा है. मिथाइलेशन ऑफ पिरिमिडीन रिंग टू फॉर्म थायमिन, कन्वर्जन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. नाउ फोलेट ट्रैप. विटामिन B12 इज नेसेसरी एज अ एंजाइम फॉर द कन्वर्जन ऑफ मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट टू फॉर्म मिथाइल कोबालमिन, विच इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मिथियोनिन, ठीक है. मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये अपना मिथाइल ग्रुप होमोसिस्टीन को दे रहा है जो कि मिथियोनिन में कन्वर्ट हो रहा है. इन B12 डेफिशिएंसी दिस रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस एंड फोलेट इज परमानेंटली ट्रैप्ड एज मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट. जब ये रिएक्शन ही नहीं होगा तो ये एज सच रहेगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोलेट ट्रैप, ठीक है, समझ लगी. फोलेट ट्रैप क्या है, B12 की डेफिशिएंसी हुई तो इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी. जब ये फॉर्मेशन नहीं होगी, ये रिएक्शन स्टॉप हो गया, तो इसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी, ठीक है, इसकी एक्यूमुलेशन को कहते हैं फोलेट ट्रैप. दिस रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड सिंथेसिस ऑफ DNA एंड इंक्रीज फोलेट लेवल ऑफ प्लाज्मा. ये भी पहले भी पढ़े थे,
सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज ऑफ वन कार्बन यूनिट्स जैसे सीरीन, ग्लाइसिन एंड कोलीन, मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट ले रहा है और उसको कन्वर्ट करवा रहा है. फर्दर मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है जो कि मिथियोनिन की कन्वर्जन की फॉर्मेशन करवा रहा है. ठीक है, इसी तरह थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट से डीएनए बन रहा है. बाकी ये रिएक्शन भी बता दिए मैंने आपको. परनीशियस एनीमिया कॉजेज आर द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ परनीशियस एनीमिया इज फेलियर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 रेदर देन डाइटरी डेफिशिएंसी. ठीक है, दिस कैन बी ड्यू टू फेलियर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीशन कॉज्ड बाय ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ पेरिटल सेल्स और टू जनरेशन ऑफ एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज. इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि इसकी बाइंडिंग के लिए रिक्वायर्ड था उसी की फॉर्मेशन जो ऑटोइम्यून सिस्टम की वजह से उसकी फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है उस वजह से ये परनीशियस एनीमिया होता है. ठीक है, और इसके अलावा टोटल गैस्ट्रोक्टोमी में भी इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है उससे भी परनीशियस एनीमिया हो जाता है. इन एक्सटेंसिव रिसेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. साइन एंड सिम्टम्स मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 डेफिशिएंसी ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म ऑफ फोलिक एसिड लीडिंग टू फंक्शनल फोलेट डेफिशिएंसी. दिस इंपेयर्स एथ्रोपोइसिस कॉजिंग इमेच्योर प्रीकर्सर्स ऑफ एथ्रोसाइट्स टू बी रिलीज इन टू सर्कुलेशन. सब सुबाक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ कॉर्ड रिजल्ट इन पेरिफेरल सेंसरी डिस्टर्बेंस हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सिस एटैक्सिया एंड पायरेलिसिस. म्यूकोजल एट्रोफी ऑफ स्टमक ग्लोसाइटस हो जाता है उससे स्टोमाटाइटस एंड फ्रेंजोसाइटस. ट्रीटमेंट द डिजीज इज ट्रीटेड बाई गिविंग हाई डोज ऑफ वाइटामिन B12 बाई ओरली और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ साइनोकोबालमिन. ठीक है, थेरेपी मस्ट बी कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ पेशेंट विद परनीशियस एनीमिया. ये सारा आपकी बुक से ही है तो आपने ये सारा डिटेल मतलब जो इसकी समरी दी है ये आपने सारा पढ़ लेना है. ठीक है, नाउ लास्ट वन इज विटामिन सी. विटामिन तो बहुत ही लंबे हैं आप लोगों की काफी. विटामिन सी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड. इट इज वाटर सॉल्युबल वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस सब्सटेंस विद सॉर्टेड टेस्ट. सॉरी, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट ऑक्सीडेशन एंड एक्सपोजर टू एयर स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड कॉपर आयन. अल्कलीज डिस्ट्रॉय इट एंड देयरफॉर इट एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज इन ए क्लोरोहाइड्रिया. ये एस्कॉर्बिक एसिड है. ठीक है, और ये इसकी फॉर्म है डीहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड. ये हाइड्रोजन जब इसमें से रिमूव हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर ये डीहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड में चेंज हो जाता है. एस्कॉर्बिक एसिड रिड्यूस्ड फॉर्म एंड डीहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है. बोथ है विटामिन एक्टिविटी एंड बोथ आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन सी इन विटामिन सी इज द विटामिन फॉर ह्यूमंस एंड अदर प्राइमेट्स लाइक द गिनी पिग बैट्स सेरिफॉर्म्स बर्ड्स एंड मोस्ट फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स. अदर एनिमल्स सिंथेसाइज इट एज एन इंटरमीडिएट इन द यूरोनिक एसिड पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबोलिज्म. इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाई ह्यूमन बिकॉज दे लैक द एंजाइम ग्लूनोलेक्टोन ऑक्सीडेज. दिस इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ विटामिन सी. सोर्सेस, इट इज प्रेजेंट इन गावा सिट्रस फ्रूट इन टोमेटोज इन ग्रीन पेपर अनियन स्पिनच कैबेज. मिल्क इज डेफिशिएंट. An ounce of orange juice has about 22 milligram of ascorbic acid. Now, metabolism of ascorbic acid. It is absorbed readily from small intestine, widely distributed throughout body. Normal human plasma contains approximately 0.6 to 1.5 milligram per 100 ml. Can cross the placental barrier. It is secreted in milk, oxidized to oxalic acid in body and excreted in urine. ठीक है, बायोकेमिकल रोल ऑफ विटामिन सी. इट एक्ट एज अ कोएंजाइम. इट हैज रिड्यूसिंग एक्शन. एक्ट एज अ रिडक्टेंट. इट हैज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी. एज एन एंटीऑक्सीडेंट रोल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जैसे ये हाइड्रोक्सी रेडिकल्स सुपरऑक्साइड रेडिकल्स हाइड्रोजन परऑक्साइड रेडिकल्स और हाइड्रो
peroxisomal radicals. It attacks phospholipids and protein embedded in membranes, oxidized LDL and red blood cells. Ascorbic acid can serve as a stable electron or proton donor in interaction with free radicals. ठीक है, ये जो free radicals है इन सबके साथ ये action करता है. ठीक है, in the process being converted to the radical ion called monodihydroascorbic acid. ये free radicals है, इसके साथ इसने interaction की. ठीक है, खुद ये reduced form में था और इसको इसने इस reduced form ने इसको reduce कर दिया और खुद ये oxidized हो गया. ठीक है, टू मोनोडीहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड यील्ड्स एन एस्कॉर्बिक एसिड एंड अ डीहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड विद द हेल्प ऑफ सेलुलर एंजाइम्स. कोएंजाइम एक्टिविटी, विटामिन सी इज अ कोएंजाइम फॉर कॉपर कंटेनिंग हाइड्रोक्सीलेजेस. अल्फा कीटोग्लूटारेट लिंक्ड आयरन कंटेनिंग हाइड्रोक्सीलेजेस. कॉपर कंटेनिंग हाइड्रोक्सीलेजेस participate in dopamine beta hydroxylases. It is involved in the synthesis of catecholamine, norepinephrine and epinephrine in adrenal medulla and CNS. Peptidyl glycine hydroxylase is involved in the synthesis of hormones like oxytocin, ADH and CCK. Alpha-ketoglutarate linked iron containing hydroxylases, proline and lysine hydroxylases are required for the post-translational modification of procollagen to collagen. Proline hydroxylase is also required in the formation of osteocalcin and C1Q component of complement system. ये C1Q1 component of complement system मतलब antigen antibody का जो system है उसमें ये present होता है. Aspartate beta hydroxylase, it is required for post-synthetic modification of precursor of protein C. Trimethyl lysine and gamma butyrobutane hydroxylase, these are required for the synthesis of carnitine. ये इतना ही करना है, आप लोग समझ रहे होंगे कि इतना इतना बताया जा रहा है. एक्सेल में आपके सिलेबस में और आपके इसके लिए ये इतना ही काफ़ी है. ठीक है, डिटेल में नहीं जाना, इसके डिटेल में सारा आप लोग अपने सेकेंड ईयर में करेंगे. तो चूंकि ये फंक्शन ही है वाइटामिन के, तो वाइटामिन आगे इतने हैं तो आपके लिए काफ़ी है, इतनी इतनी लाइनें काफ़ी हैं. ठीक है, आप लोग बड़े शान हो रहे होंगे कि इसकी तो कोई हमें बताया नहीं जा रहा, डिटेल में नहीं बताया जा रहा. रोल इन ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म, विटामिन सी इज रिक्वायर्ड एज अ कोएंजाइम फॉर अ हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन इन द बायोसिंथेसिस ऑफ सीरोटोनिन फ्रॉम ट्रिप्टोफैन. रोल इन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, विटामिन सी इज रिक्वायर्ड एज अ कोएंजाइम फॉर हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शंस रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ होमोजेनेस्टिक एसिड एंड मेलाइल एसिटो एसिटिक एसिड फ्रॉम टायरोसिन. As a reducing agent reaction, absorption of iron, ascorbic acid helps in reducing ferric to ferrous. ठीक है, and help in absorption of iron from the intestine and its utilization. Electron transport chain में इसका function है. It also takes part in oxidation reduction reaction system coupled with cytochromes and NAD, NADP and FAD. Reduction of folic acid. अब रिडक्शन ऑफ फॉलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड नीड्स द प्रेजेंस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड. दिस रिएक्शन इज नेसेसरी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉलिक एसिड इन बॉडी. एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी इन इन्फेंट्स हैज बीन एसोसिएटेड विद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉलिक एसिड. ट्रीटमेंट ऑफ मिथेमोग्लोबिनीमिया ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑफ सम यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मिथेमोग्लोबिनीमिया. Scurvy. This is a deficiency disease. In deficiency of vitamin C, a disease called scurvy results in artificially fed infants because of low vitamin C content of cow's milk and destruction of it on boiling and pasteurization. Old age people also deficient of vitamin C. Alcoholics, drug addicts, people also show scurvy. Sign and symptoms of scurvy. Sore and spongy gums, loose teeth, fragile blood vessels, hemorrhage below periosteum and skin, swollen joints and weak bones, delayed wound healing, anemia, many symptoms due to defective connective tissue production. अब स्कर्वी की डायग्नोसिस किस बेसिस पे होती है? हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन.
प्लाज्मा स्कॉर्बिक एसिड लेवल दैट इज नॉर्मल 0.7 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, प्लेटलेट स्कॉर्बिक एसिड लेवल को चेक करने से भी इसकी डायग्नोसिस होती है। बस यहाँ तक है।